अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान तहरीक साहब का नाम सर चेयरमैन शाहिद गौरी एहतराम मोहम्मद जानवर स्कूल पे अभी तक 11 बज रहे अभी तक इनके पोलिंग सिस्टम शुरू नहीं हुआ। तो इसका जाहिर है कि इसका मतलब क्या है कि धांधली का भरपूर तरीका ये लोग गेट बंद किया हुआ है, वोटर सारा बाहर खड़ा हुआ है या वोटर लगी हुई है, स्कूल के गेट बंद है। आजकल माशाल्लाह बच्चे से लेके बुजुर्ग सब इमरान खान का है। इमरान खान जिंदा है, उसमें जब पेट बंद करे तब से देख रहे हैं कितनी छोड़ा देख रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब को देख रहे हैं। हम तो कबर में भी इसके दर्ज का चीरे लग जाए। बुढ़े ज्यादा यंग है, हमारे पीछे हैं वे हमारे सबसे करीबी साथी। अरे माशाल्लाह, ये समझने के लिए नुमाइंदे की पीटी आई। हाँ चलो चलो, मुल्क के लिए, क्योंकि चीजें पहले हम नहीं चाहते कि दोबारा इस शहर में दोबारा एटी के एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत पड़ी। पहले आप लोगों ने उठाते रहे, अल्लाह करे अमन रहे, अल्लाह करे अमन रहे, पुरअमन रहे। बस वो हालात जो सबसे ज्यादा तो इस शहर को आप लोगों ने देखा है ना, सबसे ज्यादा फिजिकली शहर में कोई जलता था, कोई मरता था, कोई कतल होता था, आप लोग उठाते थे अपने हाथों से। सभी खानदान ने इस शहर में कुर्बानी दी, सबकी कुर्बानी, लेकिन जितना आपने इसको खिदमत हमारी मोहब्बत आपकी है, दीदी साहब की जो खिदमत है, अल्हम्दुलिल्लाह दीदी साहब एक बस अल्लाह आप लोगों को मत ले, दुआ फरमाइए। पता नहीं बड़े बड़े पंगे लिए आपने, उसके आश्रय में हर पंगा ले लिया, उसके आश्रय में इंशाल्लाह। सर कैसे देख रहे हैं? ये जी लियाकताबाद 10 नंबर के ऊपर हम, अरशद भाई हमारे वाइस चेयरमैन है, यहाँ से हम इस वक्त कैंप के ऊपर मौजूद हैं। तो माशाल्लाह वोटर्स तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उधर स्लो किया हुआ है इन्होंने इन्होंने पोलिंग का अमला मौजूद कम है, रिटर्निंग अफसर देर से आए हैं, ओवरऑल प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन अलहमदुल्ला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वोटर्स निकल रहे हैं। अरशद भाई बता दें, हमारे वाइस चेयरमैन अरशद खान साहब जी, अलहमदुल्ला क्या मामला चल रहा है? वोटर का रुझान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, इमरान खान साहब की तरफ, लेकिन सुबह से कुछ मसाइल दरपेश हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कि हमारा जहां भी पोलिंग एजेंट जाता है वहां पे उसको कहा जाता है कि जी आप शराब की गाड़ी कापी लेकर आ जाए, आप सर्टिफिकेट लेकर आ जाए, अथॉरिटी लेटर लेकर आ जाए। तमाम अथॉरिटी लेटर्स मौजूद हैं उसके अंदर, हमारे साथ हमने जो अथॉरिटी लेटर लगाया है चीफ पोलिंग एजेंट का लगाया है, जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का है, उसके बाद हमने जो काउंसिलर हैं उनके भी चीफ पोलिंग एजेंट बनाए हैं, उनके भी अथॉरिटी लेटर्स लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी डिस्टर्ब किए जा रहे हैं कि ये लेटर नहीं माने जाएंगे।
आप इनकी कॉपी करा के लेके जाए, लेकर आए हमारे लोगों को सुबह से दौड़ाया जा रहा है कि आप फोटो सेट करवा के लेकर आए। तो कुछ भी कर लो इंशाल्लाह जीत कप्तान की होगी, जीत इमरान खान की होगी। और माशाल्लाह ये मैच का बाद 10 नंबर के ऊपर मौजूद है। ठीक है सर, एक जा रहे हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप खींची नहीं जा रही, टूट जाएगी, खींची नहीं जा रही। आप इस तरह ना फेंके, अभी दो ही वोट पर हुए, आप चेक कर रहे हैं, ऐसा ना करें, बदमाशी पैदा हो रही है पोलिंग स्टेशन में। सर बदमाशी मेरी हो रही है, मैं कैंडिडेट हूँ, आप चार महीने पहले हमारा स्टाफ अभी नहीं है, फर्स्ट टाइम उनकी डिग्री। आप गलत लगा रहे हैं ना, जब भी मैं कह रहा हूँ आप लगा के चेक कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। सर ये एक यहाँ मसला नहीं आया है, ये चौथा पोलिंग स्टेशन है जिसके अंदर सीटें टूट रही हैं। साहब हमारे साथ तारुफ करते हैं, हम आपके तारुफ के मशगूल होंगे, आप करके हमें बता देते हैं। नहीं होगा जब तक वो ब्लास्ट ना हो, ये मैं भी रात को 12 बजे मार्केट में तो ये ब्लास्ट के बगैर, लेकिन ये नहीं है, सीने नहीं है, इसको सील नहीं कह सकते। नंबर नोट कर ये देखिए, मैं भी मेरा भी उल्टी लगाए ये बंदी नहीं है। और मैं बड़े एक पैगाम देना चाहता हूँ इंतजामिया को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, आईजी सिंध को, आपने जिम्मेदारी ली है अमन व अमान की। अगर किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई बदमाशी किसी ने की, कोई किसी की जान व माल को नुकसान पहुंचा, किसी किस्म की दो नंबरी अगर हुई, तो उसका जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी सिंध होगा। हम अगर कोई वाकये भी FIR कटेगी तो उसमें चीफ सेक्रेटरी और IG को नॉमिनेट करेंगे। और तुम लोग कब तक बच जाओगे? नहीं बच सकते हो तुम लोग, क्योंकि इनका ये दौर खत्म होने वाला है। पंजाब गया, KP गया और मरकज भी खत्म होने वाला है। तो आप दोनों एक 21 ग्रेड का, एक 22 ग्रेड का, आप लोग ख्याल रखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर फतह कप्तान की होगी, फतह इमरान खान की होगी इंशाल्लाह। और आज जब ये सूरज ग्रुप होगा तो इंशाल्लाह तमाम यूनियन काउंसिलों में मेजॉरिटी में तरीका साफ कामयाब हो जाएगी। और टाउनों में भी हमारा चेयरमैन होगा इंशाल्लाह, मेयर कराची भी इमरान खान का होगा। सूरत हाल यह है कि मैं मुख्तलिफ कैंप्स के ऊपर जा रहा हूँ। एक तो काफ़ी जगह सामान नहीं पहुँचा है, अभी तक पोलिंग का काम शुरू नहीं हो चुका है। और मैं बड़े एक पैगाम देना चाहता हूँ इंतजामिया को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, IG सिंध को, आपने जिम्मेदारी ली है अमन अमान की। अगर किसी किस्म की खुदा ना खास्ता कोई बदमाशी किसी ने की, कोई किसी के जान व माल को नुकसान पहुंचा, किसी किस्म की दो नंबरी अगर हुई, तो उसका जिम्मेदार चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध होगा। हम अगर कोई वाकये भी FIR कटेगी तो उसमें चीफ सेक्रेटरी और IG को नॉमिनेट करेंगे। और तुम लोग कब तक बच जाओगे? नहीं बच सकते हो तुम लोग, क्योंकि इनका ये दौर खत्म होने वाला है। पंजाब गया, KP गया और मरकज भी खत्म होने वाला है। तो आप दोनों एक 21 ग्रेड का, एक 22 ग्रेड का, आप लोग ख्याल रखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कल रात को हुई है गवर्नर हाउस 90 में, उसका मैं पूरा अंदाजा है कि ये एक मिले हुए हैं, BPMK एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इन्होंने आज आखिरी वक्त में कोई ठप्पों का प्लान, कोई कल से जो पोलिंग का सामान है मोटरसाइकिलों पे थैलों में बांटा जा रहा है, लेकिन कप्तान के टाइगर्स मौजूद हैं। हमें वोट का दिफा करना आता है, हमें तुम्हें नोट का दिफा करना आता है, हमें वोट का दिफा करना आता है। तो मैं इस वक्त एहसानाबाद में एक कैंप पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह जोश जज्बा बड़ा जबरदस्त है, फतह हमारी है। लेकिन वो लोग जो सियासी तौर पे आज की धींगा मुश्ती कराना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद शाह एंड कंपनी, और ये जो माशाल्लाह ये हारे हुए जवारी जो रात को भाग चुके हैं, जूतियां छोड़ के भाग चुके हैं, कोई मुहिम जुई ना करना, कोई दहशतगर्दी की कोशिश ना करना। हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी ने OLX के ऊपर MQM के लोग खरीद लिए, बड़े लोगों को तो दे दिए माल, वो घर जाके सो गए, वर्करों को कहीं इस्तेमाल किया जाएगा।
मस्ती की गुंजाइश नहीं है, मस्ती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह फतह आज किसकी होगी? कप्तान की होगी। ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, बल्ले पे ठप्पा। हम तुम्हारे जिए 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 तेरा दिल मेरा दिल अली तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार अली तेरे जान सा जिए पाकिस्तान ठप्पे पे ठप्पा बल्ले पे ठप्पा 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 अली तेरे जान सा सर को हसन हसन जल्दी करो जबरदस्त सर ठीक है इसमें भी कहा है इसमें भी दे रहे हैं ये सिस्टम सारे आ जा आ ये देखें ये कैंप है तहरीक इंसाफ का ये हमारे चेयरमैन साहब हयात अका खैल साहब मालिक खान साहब अमर खान जाहिर शाह हमारे तमाम साथी मौजूद हैं और बड़ा भरपूर जोश है जज्बा है कार्ड बन रहा है इधर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह फतह ठप्पे पे ठप्पा बल्ले पे ठप्पा होगा आज और इंशाल्लाह कराची का मेयर भी कप्तान का इस यूसी का चेयरमैन भी कप्तान का इस टाउन का चेयरमैन भी कप्तान का इंशाल्लाह कराची भी कप्तान का पूरा सिंध भी कप्तान का और पाकिस्तान तरीके से भाईबंदी से लिखा।